हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेट देर टैक्स हो गाइस। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वीडियो का साउंड कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने कोई भी वीडियो को शूट करते हो, उसके बाद अगर आप अपने उस वीडियो को देखते हो, तो फिर ऐसे में अगर आपको उस वीडियो में साउंड बहुत ही कम होता है, तो फिर ना बहुत ही ईजिली आप अपने वीडियो का साउंड इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप अपने वीडियो को काइनमास्टर से एडिट करते हो, तो फिर आप एडिटिंग के समय आप अपने वीडियो का साउंड बहुत ही ईजिली इंक्रीज कर सकते हो। तो फिर आपको वीडियो का साउंड किस तरीके से इंक्रीज करना है, सब कुछ इसके इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फिर इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वही पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। अगर आप अपने वीडियो का साउंड को इंक्रीज करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले अपना जो काइनमास्टर है, काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप जिस भी वीडियो का साउंड को इंक्रीज करना चाहते हो, सिंपली आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ऐसे एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि फिर देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक वीडियो सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आप अपने वीडियो का और भी कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो, तो फिर यहाँ से आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने इस वीडियो का साउंड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको वीडियो का लेयर मिलता है, सिंपली आपको इस लेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप वीडियो का लेयर पर क्लिक करो, तो फिर इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा, और फिर उसका साइड में यहाँ पर आपको मिक्सर लिखा रहेगा। तो फिर आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप इस पर क्लिक कर दो, तो फिर इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा, और फिर इस तरह से यहाँ पर आपका 100 ही आपका साउंड जो है साउंड इस तरीके से रहेगा। उसके बाद साउंड को बढ़ाने के लिए सिंपली आपको इस तरीके से इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। तो फिर इसको आप जितना चाहे उतना ही बढ़ा सकते हो, और फिर आप जैसे ही बढ़ा दोगे, उसके बाद आप अपने वीडियो को प्ले करके सुन सकते हो कि आपका जो साउंड है बहुत ही हद तक आपका जो साउंड है इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने साउंड को कम करना चाहते हो, तो फिर ईजिली इस तरीके से आप अपने जो साउंड है इस तरीके से आप कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, तो फिर सिंपली इसको अगर आप इसको एनेबल कर देते हो, तो फिर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे इस तरह से दो ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पहले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको लेफ्ट का ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन को देखने को मिलता है। तो फिर ये जो दो ऑप्शन है, अपना जो हेडफोन है, हेडफोन का ही यही दो ऑप्शन है। अगर आप अपने लेफ्ट साइड की आवाज़ को कम करना चाहते हो, तो फिर सिंपली इसको इस तरीके से कम कर देना। तो फिर इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना। अगर आप इसको इस तरीके से जीरो कर दो, तो फिर आपका जो लेफ्ट साइड की हेडफोन की आवाज़ है, आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो फिर इस तरीके से आप इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने हेडफोन की राइट साइड की आवाज़ को कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, तो फिर सिंपली इस तरीके से इसको कम कर सकते हो। अगर आप इसको इस तरीके से कम करना चाहते हो, तो फिर इस तरीके से बहुत ही ईजिली कम कर सकते हो। अगर आप इसका भी आवाज़ को जीरो करना चाहते, तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे ही फिर आप जीरो कर दो, तो फिर आपका जो हेडफोन की राइट साइड की आवाज़ है, आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते। तो फिर इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना। तो फिर उसके बाद सिंपली आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फिर इस तरीके से आप अपने वीडियो का साउंड जो है बहुत ही ईजिली इंक्रीज कर सकते हो।